इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कनकसे के बारे में, और आपको ये भी जान के हैरानी होगी कि आप लोग समझते थे कि जो कनकसे होता है सिर्फ वो टमाटो से बनता है। कनकसे सिर्फ टमाटो से नहीं बनता है, कनकसे टमाटोज के अलावा बाकी की जो वेजिटेबल होती हैं उनसे भी बनता है, साथ साथ आप चाहे तो फ्रूट से भी बनता है। और आप देखेंगे जो आप सालसा, जो मैक्सिकन कुजीन के बारे में थोड़ा जानते हैं, सालसा और कनकसे आप देखेंगे सिमिलर सिमिलर ही है, थोड़े बहुत ही डिफरेंस है। पर एक्चुअली में हम होटल्स में अगर हम लोग कनकसे की बात करते हैं तो हम लोग टमाटो कनकसे ही बोलते हैं, और सालसा से इसको कभी भी कंपेयर करने की कोशिश नहीं करते। इवन जो टमाटो सॉस होती है, हम लोग कोशिश करते हैं या तो हम लोग टमाटो सॉस यूज़ कर लें या हम लोग कनकसे यूज़ कर लें, पर दोनों के काम बिल्कुल अलग हैं। तो मैं आपको सारी की सारी चीज़ें सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश करता हूँ। कनकसे मैं बोलूँ तो हमको टमाटो को ब्लांच करना पड़ता है, उसकी स्किन निकाल के, उसके सीड निकाल के उसको चॉप 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 कर लेना पड़ता है। यहाँ पे जो कनकसे शब्द है वो हमारे फ्रेंच के एक टर्म से लिया गया है, एक शब्द से लिया गया है, जिसका कि मतलब होता है ग्राइंड करना या क्रश करना, किसी भी चीज़ को मसलना या कुचलना बोल सकते हो। अब होटल्स के अंदर हम लोग यही सारे प्रोसेस करते हैं, और उसके बाद हम लोग उसमें अनियन गार्लिक का तड़का लगा लेते हैं, कहीं पे हम लोग बेलीफ का यूज़ कर लेते हैं, कहीं पे वाइन का यूज़ कर लेते हैं, लीक सैलरी का यूज़ कर लेते हैं, कहीं पे आपने देखा वो कैरेट्स हम लोग डाल देते हैं, या इसी प्रकार के इंग्रेडिएंट, डिपेंड करता है हमारी होटल की रेसिपी। पर यहाँ पे सबसे समझने वाली बात यह है, जो ये पार्ट आप कर रहे हो उसमें तड़का लगाने वाला, वो आपकी होटल की रेसिपी है। ओरिजिनल में सिर्फ कनकसे आपके जो रफली चॉप ब्लांच टमाटो ही होते हैं, और हम लोगों को लगता है जो जो उसमें हम लोग तड़का वड़का लगा रहे हैं वो भी रेसिपी है कनकसे की, पर वो रेसिपी नहीं है हमारे कनकसे की। ये बात आपको सबसे पहले समझनी है। दूसरा, अगर मैं बोलूं कि भाई मुझे कनकसे यूज़ करना है या टमाटो से यूज़ करना है, तो अगर ओरिजिनलिटी की बात करेंगे, जो कनकसे होता है वो कम्प्लीटली हमारा प्योर वेज होता है, ये किसी प्रकार का नॉनवेज नहीं होता है। वहीं जो अगर मैं ओरिजिनलिटी की बात करूँ, जो हमारे टमाटो सॉस होते हैं वो नॉनवेज होते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमारा जो ब्राउन स्टॉक यूज़ होता है, ब्राउन स्टॉक के अंदर हम लोग हड्डी वगैरह यूज कर रहे होते हैं, पर इंडिया के अंदर हम इसको कंप्लीटली टमाटो सॉस मतलब हम लोग वैसे समझते हैं, पर एक्चुअली में ये नॉनवेज है। इसके बाद अगर मैं बोलूं कि भाई मैं इसके यूसेज कहाँ कर सकता हूँ, इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ हमारी ब्रुशिट्टा में, आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे जो ब्रेड्स होती है, ब्रेड्स के ऊपर हम लोग टॉपिंग डाल के देते हैं, जिसके के ऊपर हम लोग थोड़े एंचोवीज हो गया, चीज़ वगैरह हम लोग डाल देते हैं, तो वहाँ पर हम लोग टमाटो कनकसे अपने यूज़ करते हैं। और अगर आप देखोगे तो उसमें किसी भी प्रकार का तड़का वड़का नहीं लगा रहता है, उसमें आप चाहे तो फ्रेश गार्लिक चॉप डाल सकते हो, आपकी हर्ब्स डाल सकते हो, ऑलिव हो गया, चिली फ्लेक्स हो गया, चीज़ वगैरह डाल सकते हो, या फिर आप चाहे तो इसको आपके जो पिज़्ज़ा में, पास्ता में भी यूज़ कर सकते हो। फ्रेशली चॉप टमाटो होंगे, बाकी जो अनियन गार्लिक हो गया वो तड़का आपको लगाना है। इसके बाद अगर आप चाहे तो इनका यूज़ आपके, जैसे कि मैंने पिज़्ज़ा में बोला वो भी कर सकते हो, पास्ता में बोला, या फिर कोई भी और आपके डिशेज है, जैसे कि मान लीजिए आपके अपने चिकन को आपको स्ट्यू करना है टमाटो कनकसे के अंदर, आप लोग वो कर सकते हो, या फिर आप कोई लैम्ब स्ट्यू बना रहे हो वहाँ भी आप लोग कर सकते हो, कोई लेंटल स्ट्यू बना रहे हो वहाँ पे भी आप इन कनकसे का यूज़ कर सकते हो। जहाँ भी आप चाहते हो कि भाई मुझे टमाटर की जो स्किन है यूज़ नहीं करनी है, या मुझे कम्प्लीटली टमाटो प्योरी यूज़ नहीं करना है, तो वहाँ पे आप इसका यूज़ करते हो। अगर मैं इसको बोलूँ कि भाई ये सिमिलर सिमिलर मेरे जो मेरे सालसा होता है टमाटो जैसा है, सिमिलर वैसा ही होता है, पर जो टमाटो सालसा होते हैं वहाँ पे हम लोग जो टमाटो की स्किन नहीं निकाल रहे होते, यहाँ पे हम लोग टमाटो की स्किन निकालते हैं। वह आपके जो सालसा होता है उसके अंदर हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं क्या, अपनी जो ग्रीन चिलीज होगी, हमारा धनिया हो गया, क्योंकि वो एक तरीके की मैक्सिकन कुजीन के अंदर आता है, पर यहाँ पे हम लोग यूज़ नहीं कर रहे होते ये सारी की सारी चीज़ें, यहाँ पे सिर्फ रफली आपके जो ब्लांच और चॉप टमाटो होते हैं, तो यही सिमिलर इनमें डिफरेंस हो जाता है। आप लोग भी अब तक कन्फ्यूज़न में होंगे, इस वीडियो को देखने के बाद आपके कई सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सेम अगर मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे वेजिटेबल सालसा बनाना है, तो मैं जो भी मेरी अगर मैं मेरे पास जुकनी है या मेरे पास कैप्सिकम है, उन सबको मैं लूँगा, उन सब के अगर मैं स्किन्स निकाल सकता हूँ तो स्किन निकालूंगा, अगर नहीं निकाल सकता तो कोई ज़रूरत नहीं, पर मैं उनको छोटा छोटा काट के उनको ब्लांच कर लूँगा, और उसके अंदर मैं अपना ऑलिव ऑयल डाल के रख दूंगा, तो वो मेरा कनकसे रेडी हो जाएगा। या फिर अगर मेरे को स्ट्रॉबेरी का कनकसे बनाना है, तो सेम चीज़ें सेम टेक्निक मैं अपनाऊंगा, अपने जो मेरे स्ट्रॉबेरीज हैं छोटे छोटे पीसेस काटूंगा, या पहले उसको ब्लांच कर लूँगा फिर पीस काट लूँगा, सेम चीज़ पड़ती है, और उसके अंदर अपना थोड़ा सा सिरप वगैरह मिला के, शुगर वगैरह मिला के, क्योंकि वो मेरा डिज़र्ट के साथ जाने वाला है। तो इस प्रकार से आप भी चेक कर सकते हैं, आप नेट पर जरूर चेक कीजिएगा वेजिटेबल कनकसे क्या होते हैं, आपको थोड़ी और क्लैरिटी होगी। बाकी कुछ भी क्वेश्चन और कमेंट्स नीचे जरूर लिखिएगा, और चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। 1600 प्लस वीडियोज़ हो चुकी हैं, 1500
50 प्लस वीडियोस हो चुकी हैं, और आप लोगों की भी अब ये जिम्मेवारी बनती है कि इस चैनल को और हम लोग कैसे आगे ग्रो करें। कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।